सो गाइज, इंडिया में टिकटॉक परमानेंट बैन होने के बाद आप सभी टिकटॉक लवर्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे कि अब इंडिया में टिकटॉक कभी भी वापसी नहीं करेगा। सो गाइज, फाइनली आप सभी टिकटॉक लवर्स के लिए फिर से एक और गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। टिकटॉक इंडिया में वापसी कर रहा है फिर से। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक इंडिया में बहुत जल्द वापसी कर रहा है। आप लोगों को बिलीव नहीं हुआ तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एंड गाइज, जितने भी टिकटॉक लवर्स हैं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, टिकटॉक की भारत में वापसी, भारतीय कंपनी बन सकती है मालिक। गाइज, इस न्यूज़ को मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूँगा, शॉर्टकट में नहीं बताऊँगा। यहाँ से हम इस न्यूज़ को फुल एक्सप्लेन करेंगे। टिकटॉक भारत में बैन है और अब ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि चीनी ऐप डेवलपर बाइटी डांस अपने इस शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में इंडिया ऑपरेशन को इन मोबी ग्लैंस कंपनी को बेच सकती है। बता दें कि सितंबर 2020 में ऐप पर प्रतिबंध टिकटॉक बैन लगाए जाने के बाद हाल ही में भारत सरकार ने टिकटॉक को स्थायी रूप से बैन किया था। संभावना है कि इस स्थायी बैन के फैसले ने ही बाइटी डांस को ये योजना बनाने में मजबूर किया है। ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की बाइटी डांस LTD भारत में अपना ऑपरेशन अपने प्रतिद्वंदी इन मोबी ग्लैंस को बेच सकती है। रिपोर्ट में इस संबंध में जानकारी रखने वाले एक सूत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि जापान के सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प ने इस मामले में बातचीत शुरू कर दी है। बता दें कि इन मोबी ग्लैंस एक ऐप बनाने वाली भारतीय कंपनी है जिसका एक शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म रोपोसो पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है। रोपोसो ऐप को आप सब जानते होंगे। देखिए, रोपोसो ऐप एक शॉर्ट वीडियो ऐप है एंड इसके प्ले स्टोर पर 100 मिलियन प्लस डाउनलोडर है। टिकटॉक के भारत में बैन होने के बाद ऐप को काफ़ी लोकप्रियता मिली है और इस बड़े पैमाने पर डाउनलोड किया गया है। ऐप के 3 करोड़ से ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स है। ग्लैंस का रोपोसो भारतीय ऐप है और इन मोबी का दावा है कि कंपनी में गूगल और मिटरील कैपिटल द्वारा $145 मिलियन यानी लगभग 105 करोड़ का निवेश किया गया है। सॉफ्टबैंक ग्लैंस की मूल कंपनी इन मोबी और बाइटी डांस दोनों कंपनी का वित्तीय कार्यभार संभालती है। रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल दोनों कंपनियों के बीच होने वाली डील भारत सरकार के अंतिम आदेश के ऊपर निर्भर है। इतना ही नहीं, चीनी कानूनों की वजह से टिकटॉक की सेल निर्णय चीनी कंपनी की मंजूरी के बिना नहीं होगा। इसके अलावा ये भी खबर है कि भारत सरकार इस बातचीत को केवल तभी आगे बढ़ाएगी जब सरकार को भरोसा दिलाया जाएगा कि यूजर्स का डेटा भारत से बाहर नहीं जाएगा। इससे अलग बता दें कि ऐप डेटा एनालाइज करने वाली एजेंसी सेंसर टावर की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में टिकटॉक सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला दूसरा ऐप है। टिकटॉक को जनवरी में 6.2 करोड़ डाउनलोडर्स मिले हैं। इन डाउनलोडर्स में चीन की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 17% है। इसके बाद अमेरिका में हिस्सेदारी 10% है। हालांकि ऐप एक बड़ा यूज रेबर्स इससे शामिल नहीं है क्योंकि ऐप अभी भी भारत में बैन है। सो गाइज, आप सभी को मैं बता दूं, जैसे ही टिकटॉक को इंडिया में परमानेंट बैन किया गया है उसके बाद टिकटॉक को और भी ज़्यादा नुकसान हुआ है एंड टिकटॉक ने इंडिया से अपने 2000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, जिसके बाद वे सभी एम्प्लॉयज़ सड़क पर आ चुके हैं। तो गाइज, इंडिया में टिकटॉक की जितनी भी एजेंसी थी, जितने भी ऑफिस थे, वो सब जो है एक इंडियन कंपनी खरीदेगी। टिकटॉक का इंडिया का जितना भी बिजनेस था वो एक कंपनी खरीदेगी। उस कंपनी का नाम मैंने आप सभी को बता दिया है, इन मोबी ग्लैंस। इन मोबी ग्लैंस रोपोसो ऐप की पेरेंट कंपनी है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, क्या इनकी डील होती है ये नहीं है। जैसे ही इन मोबी ग्लैंस रोपोसो ऐप की पेरेंट कंपनी टिकटॉक का इंडिया का बिजनेस की डील कर लेती है तो टिकटॉक को इंडिया में जल्द ही रीलॉन्च कर दिया जाएगा। हो सकता है टिकटॉक को रोपोसो ऐप से जोड़ दिया जाए, इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया जाए। टिकटॉक के नेम से इंडिया में वापसी ना करे, इसमें नेम में चेंजिंग हो सकती है क्योंकि उसको इंडिया में रीअपलोड किया जाएगा। एंड इंडिया में टिकटॉक के जितने भी बिजनेस थे, जितने भी एम्प्लॉयज थे, जितने भी ऑफिस थे, इंडिया में टिकटॉक के 7 ऑफिस थे।
तो उन सभी ऑफिस को, उन सभी इंप्लॉयज को, उन सभी इंडिया के बिजनेस को, जितना भी टिकटॉक का इंडिया में था, वो इन मोबी ग्लैंस खरीदेगी। तो देखते हैं आगे डेली में होता क्या है। जैसे ही नेक्स्ट न्यूज आती है, आपका भाई सबसे पहले आपके लिए लेकर हाजिर हो जाएगा। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।